दरबार से आए हैं, दरबार आपकी दुकान है, तो आप लारी अड्डा परिंदे सेल करने आए हैं? यार यहाँ पर अच्छा परिंदा मिलता है और सस्ता है यहाँ, और मुनासिब पैसों में मिल जाता है। लारी अड्डा मंडी ठीक है? हाँ जी, इधर से लोग ज्यादा अच्छा कबूतर मिल जाते हैं। कितना हो जाएगा यार ये? कोई सारे लेगा तो मैं दे दूंगा 800 रुपए, पारे से कम नहीं दूंगा। दोस्तों देख लें अच्छे परिंदे, बीच में से नीले कबूतर भी हैं। साजी से सर एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए आए थे, तो मैं क्या पूछ लेते हैं, चले आपके चैनल पे भी ये देखो कबूतर पकड़ो और हाथ में कबूतर है तो पता चल जाए कैसा कबूतर, कैसा कबूतर, ये प्रवासी है या नहीं है प्रवासी? ये कबूतर जो आंख में देखते हैं, ये आंख में देखो ये है, ये है, फलाया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ चीज ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन वेलकम बैक। तो दोस्तों ये देख लें, ये लारी अड्डा मंडी में आए हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको शो करवाएंगे, मजा आएगा भाइयों को शो करने का। और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि भाइयों को अच्छे से अच्छा शौक मिलता रहे। तो भाइयों की मोहब्बत का मशकूर हूँ जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। ये रश देख लें दोस्तों, जी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से, ये दरबार के दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। इफी भाई नाम है इनका, और वो अकमल भाई नाम है। तो कैसे हैं जनाब? शुक्रिया। तो परिंदे सेल करने आए हैं? जी जनाब। क्या रेट मांग रहे हैं? ये 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पर मांग रहे हैं, बहुत ही मुनासिब रेट दे रहे हैं दोस्तों। आपको शौक भी करवाते हैं और आपको इनका नंबर भी देते हैं, नंबर बताएं अपना। 0307-50-25-909। व्हाट्सएप इसी के ऊपर है? हाँ जी, व्हाट्सएप बना इसी पे बना हुआ है। सही हो गया। तो परिंदे कार्गो वगैरह भी करवा हो जाएंगे? तसल्ली से हो जाएंगे? बिल्कुल यार, बेफिक्र होके। इफी भाई एक बात पूछनी थी जी, दरबार से आए हैं, दरबार आपकी दुकान है, तो आप लारी अड्डा परिंदे सेल करने आए हैं? यार यहाँ पर अच्छा परिंदा मिलता है और सस्ता है यहाँ, और मुनासिब पैसों में मिल जाता है। लारी अड्डा मंडी ठीक है? हाँ जी, इधर से लोग ज्यादा अच्छा कबूतर मिल जाते हैं, और अच्छे वारे के दरबार के निस्बत। हाँ जी, दरबार रेट ज्यादा है? ज्यादा है, दरबार के रेट ज्यादा है। तो इफी भाई इनमें से कोई पकड़ के शो करवा दें ताकि दोस्तों का दिल करे आपसे लेने के लिए। जी फिर भाई क्या दिखा रहे हैं? ये देखें, ये माधी है, बड़ी अच्छी लाल आंखों की, पर दिखाना। इफी भाई ये जोरों में काम करेगी या? ये आप जोरों में भी और उड़ेगी भी, बहुत ही है, उड़ने वाली है। सही हो गया। तो फिर भाई कोई मुनासिब रेट कितना हो जाएगा? यार ये कोई सारे लेगा तो मैं दे दूंगा 800 रुपए, पारे से कम नहीं दूंगा। दोस्तों देख लें अच्छे परिंदे, बीच में से नीले कबूतर भी हैं, चीने कबूतर भी हैं, टैडी भी है, ये देख ले। तो इफी भाई की मोहब्बत है कि इफी भाई ने तावन किया हमारी वजह से, इंजॉय करने आए हैं। हाँ जी, तो दोस्तों को शो करवा दिया इफी भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बाकी लारी अड्डा आके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कस्टमर है इधर? इधर है बहुत ज्यादा, बिके भी हैं आज, अल्लाह का शुक्र है। सही हो गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं मजीद। जी दोस्तों ये देख ले, इधर से कार्टन भी मिल जाते हैं, अगर कोई भाई कबूतर ले तो कार्टन भी इधर से मिल जाते हैं। ये भाई सेल करने आए हैं, आगे चलते हैं। जी दोस्तों ये उस्ताद अमजद साहब लारी अड्डा मंडी में, इनसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस्ताद जी दुरूद शरीफ शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, या हय्यु या क्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन। उस्ताद जी कैसे हैं आप? सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। उस्ताद जी माशाल्लाह से बहुत से दोस्तों ने, आप आजकल मिट्टी का सेगमेंट कर रहे हैं, मिट्टी का काम आपने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत से दोस्तों ने कहा कि उस्ताद अमजद साहब से मिट्टी लेकर दें, उसका तरीके कार क्या होगा कि दोस्तों को मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी जनाब, पार्सल हो जाएगी। बिल्कुल पार्सल, ये है ना कि लाहौर के अंदर तो आसानी है देने, लेकिन मैं TCS कराऊँ ना उसके ऊपर 300 रुपया TCS का आउट सिटी का लग जाता है, उसके ऊपर 500 की ये KG है, ये पैकेट है, इसमें जो जो चीजें मैंने मिक्स की हैं वो मैंने वीडियो में दिखाई हैं सारी। उस्ताद अमजद साहब ने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ठीक है, उसके अंदर काफी चीजें, दो वीडियो इसके ऊपर बताई हैं,
उस्ताद अमजद साहब का चैनल बहुत से दोस्त जानते हैं और बहुत से दोस्तों ने ये वीडियो देखी भी होगी, इसलिए तो उन्होंने मुझसे डिमांड की है। तो ये शाह साहब से ऐसे मिलने के लिए, माशाल्लाह ये हमारे बड़े हैं, बड़ा तजुर्बा है इनका, शाह साहब का काफी एक्सपीरियंस है कबूतरबाजी में, कभी कभी इनसे भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो आज उस्ताद जी से सर एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए आए थे, तो मैं क्या पूछ लेते हैं, चले आपके चैनल पे भी ये चलेगा। उस्ताद जी, ये जो आते हैं दोस्त, नए दोस्तों या पुराने दोस्तों, मतलब कि या उस्ताद हैं या पुराने, वो आते सबसे पहले कबूतर की गर्दनों को मरोड़ते हैं, मरोड़ के उसकी आँख चेक करते हैं, आँख में ये कौन सी चीज देखते हैं? देखम देखा करते हैं। देखम देखा मसलन आँख में कोई ऐसी चीज है जिससे आँख में क्वालिटी है, वो तो उस्ताद को ही पता चलता ना, वो तो कबूतर बैठा और वैसे ही पता चल जाता है कि ये कबूतर कैसा है। उसको हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा शाह साहब, ये सबसे ज्यादा जो परवाज देने वाला कबूतर है वो कौन सी आंख का है? कबूतर सारे ही उड़ते हैं। अच्छा, आंख का कोई अमल दखल नहीं। आंख का कोई अमल दखल नहीं, ठीक है ना, कबूतर सब उड़ते हैं। उस्ताद जी, ये देखो कबूतर पकड़ो और हाथ में कबूतर है तो पता चल जाए कैसा कबूतर है? ये परवाजी है या नहीं है परवाजी? हड्डी जोड़ उसका, हड्डी पकड़ते हैं कबूतर, नीचे से पकड़, ये देख वो देख, नहीं कबूतर हाथ में है पता चल जाता है कैसा। अभी मैंने ना इधर देखा शाह साहब, मार्केट में एक बंदे के पास कबूतर बहुत अच्छा था, तो मैंने कबूतर चेक किया तो उसका नीचे से जोड़ टूटा हुआ था, बड़ा शरीफ आदमी था। उसने कहा जी मेरे सामने एक बंदे ने ये जोड़ तोड़ा। कुछ भी नहीं होता, जोड़ों का भी ऐसे पंगा है, कुछ भी नहीं पंगा, बूढ़े हो गए हम, जोड़ दरा तो हाथ में पकड़ते हैं, दबा जीती उसको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जब कबूतर को चने चुने डाले वो फिर तगड़ा हो जाए, फिर जोड़ सीधा हो जाएगा, फिर जोड़ सीधा हो जाएगा। कहता ना जोड़ टूटा हो मेरे पास लेकर उसका जोड़ सीधा कर। ये आपने बड़ी अच्छी नॉलेज की बात शेयर की है, ये दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए कुछ वक्त के लिए वो जोड़ना अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जब उसको खुराक अच्छी मिलेगी वो जोड़ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वो जोड़ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात, बंदा परेशान सा बेचारा, कोई ऐसी बात नहीं है। माती अंडे देती है ना, अंडे देकर जब फारक होती है उसका भी जोड़ मुड़ जाता है, लेकिन जब क्योंकि वो कमजोर हो जाते हैं, जब फिर उसकी सेहत अच्छी होती है फिर जोड़ उसका ठीक हो जाता है। ये मेरे नॉलेज में बिल्कुल प्रैक्टिकल ये बात है, ठीक है ना, ये कोई बात नहीं है। ये कबूतर जो आंख में देखते हैं, ये आंख में देखो ये है फलाया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ चीज ही होती है। ये आपने मेरे पास माइक किया हुआ है, बताऊँ वो ऐसे नहीं बताई जाती। कहते हैं ना शाह जी ये आंख में क्या है, ये हमें बताओ, ये फलाया बताओ, ये मेहनत की होती है बेटा, ये उस्तादों की इज्जत की होती है। बात है बामुराद, ऐसे नहीं हर चीज मिल जाती, बहुत अच्छी बात की। बाज शागिर्द उस्ताद से कुछ सीख लेते हैं, वो कहते हैं साडे उस्ताद नूं तो पता ही कख नहीं गा, समझ आई? उस्तादों का एहतराम करें, एहतराम करें इंशाल्लाह बेटा। और शाह जी काफी एक्सपीरियंस के मालिक है उस्ताद अमजद साहब, समझ लेंगे हमारे सीनियर उस्ताद है। तो दोस्तों एक सवाल पूछते हैं इनसे, उस्ताद जी जोर खुला भी हो तो कबूतर की परवाज अच्छी होती है? हाँ जी बिल्कुल, कबूतर का जोर बंद होना जरूरी है सर? ये कोई तो बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर खुले जोड़ों के कबूतर भी शाम बैठते हैं, मैंने बिठाए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह कबूतर का अमल दखल उसके परों से है, परों से है, बस परों का जो अच्छा साइज होना चाहिए, ठीक है ना, जिसम होता है, जिस कबूतर के पर अच्छे हैं वो अच्छा है। मैदान में घोड़ा भागता है कबूतर, घोड़ा देखने में तगड़ा है लेकिन वो लंगड़ा वाला भागेगा नहीं, ऐसे कबूतर जिसके पर सही है, छोड़ दो ऐसे ही। शाह साहब आपके कस्टमर आ गए हैं तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, अल्लाह ताला आपको सेहत बख्शे। बाकी बात ये आखिरी बात कर रहा हूँ, कोई चीज उस्तादों से हासिल करनी हो ना तो उनकी इज्जत की जाती है। शाह जी अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें। ये नहीं तो उस्ताद जी को चाय, ये चाय पिलाओ उस्ताद जी को, चाय पिलाओ उस्ताद जी, फलां चीज बताओ, फलां चीज बताओ, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें, काफी दोस्त मांगते हैं। 0305 0305 9 0 1 5 0305 9 8 4 9 0 1 5 1 5। शाह जी का ये कांटेक्ट नंबर है। ये मेरे भाई हैं, ये भी बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे भाई। उस्ताद अमजद साहब का भी कांटेक्ट बता देते हैं, 0333 44 9 7 5 5 2 8। बात ये है कि बस बादब और बामुराद, बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद, बेअदब बेमुराद। देखें शाह जी कितनी देर होगी आपसे इधर मुलाकात होते, 4-5 साल हो गए मेरे साथ, मैंने आज तक आपने मेरे अंदर की ऐसी कुछ भी नहीं बेटा रंगबाजी देखी हो, मेरे में कोई आया तो बताओ, नहीं आपके अंदर तो है कोई नहीं, मेरी कब पाकिस्तान आपने देखा था, हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे बड़े हैं बाकी दोस्त। मैं अपने कस्टमर को कबूतर दिखाने लगा जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये मिट्टी के फायदे पूछते हैं उस्ताद जी, इसका सबसे बड़ा फायदा बताएं। इसका जितनी चीजें इसमें मिक्स की है ना मैंने, तो आप भी मेडिकल स्टोर पे रहे हैं, आप इसके बारे में अच्छा जानते हैं, जो चीजें इसमें मिक्स की है वो वायरस के लिए, कबूतर की फिटनेस के लिए,
कबूतर खास करके जब से ये मैंने रखी है ना अपने अपने केज में, ये मैंने रखी है, इससे मेरे केज में ये फर्क पड़ा है, मेरे कबूतरों की भूख में इजाफा हुआ है, कबूतर मस्ती में ज्यादा आए हैं माशाल्लाह, उनके हाजमा दुरुस्त हुआ है, तो और बड़ा बहुत अच्छा महसूस होता है, हेल्थ अच्छी होती है, अच्छी हेल्थ हो गई है, और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। जो दोस्त फीड डालते हैं अपने कबूतरों को, बच्चों को बड़े करने के लिए बड़े कबूतरों को फीड डालते हैं, फीड ना डालें, फीड से कबूतर बेकार हो जाता है, ये चीज डालें जिससे कबूतर को फर्क पड़ता है, मादी अंडों से भी रुकी हो तो चल पड़ती है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से, और मैंने देखा, आप भी इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फायदा होगा। दोस्तों उस्ताद जी एक ये बात है ना कि फीड जो होती है वो अगले जो बंदा डालता है उसके घर में परिंदे बिल्कुल ठीक रहते हैं जी, जैसे वो सेल करता है किसी के पास जाते हैं उधर वो धमाका करते हैं, उधर मर जाते हैं जाके। मेरे साथ कई दफा इसरा हुआ, कई बार इसरा हुआ मेरे साथ, तो ये उस्ताद जी ने मोहब्बत की है हमारे साथ। वैसे ये 500 का देते हैं लेकिन हमसे पता नहीं क्या चार्जेस लेंगे सर, आपसे 550 आपसे 550 एक्स्ट्रा, नहीं आपके 50 एक्स्ट्रा बंदे भी हैं, आपने कितना ट्रेवल करके ले गए हैं स्पेशल मेरे लिए, बिल्कुल लेकर आए उस्ताद जी, आपकी मोहब्बत का मशकूर हूँ, और बहुत से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस्ताद मुझे साहब से मिट्टी एक बार लाजमी मंगवाए क्योंकि ये मिट्टी के फायदे बहुत है। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका। उस्ताद जी आपने ये काम शुरू किया, मेहनत कर रहे हैं, दिल को खुशी है कि उस्ताद हमजा साहब ने कबूतरों से हट के भी कुछ काम किया। बस ये अभी तो ये जो जितनी जिंदगी बाकी बची है ज्यादा गुजार दी, थोड़ी बच गई है, तो मेरा ये शौक है कबूतरों का, खुद मैं चाहता हूँ कि हर बंदे के परिंदे सेहतमंद रहे, ठीक है, हर बंदे का शौक पूरा हो, और खास करके परिंदों का रेट कम होना चाहिए, प्राइस बहुत हाई हो गया, दाना बहुत महंगा हो गया, प्राइस बहुत ही हाई हो गए हैं, तो लेकिन रेट आपकी नजर में यहाँ पे सीजन के हिसाब से नीचे ऊपर होता रहता है, ये सीजन का काम है, इन दुकानदारों का कसूर नहीं है, क्योंकि जब फड़क रुक जाती है ना फड़क, तो समझो फिर ये जोड़ों पे काम आ जाता है, जोड़ों पे काम आता है, फिर लोग वो निकालते हैं अपने जोड़ों वाले कबूतर, तो फड़क तो होती नहीं है, वो तो गर्मी में फड़क होती है, इसीलिए लोग ज्यादातर फड़क लेते हैं, सर्दी में आगे लोग जोड़े अपने बनाते हैं ताकि बच्चे आगे उड़ाएंगे। तो के जो उस्ताद जी उम्मीद करते हैं कि दोस्तों की आपकी कीमती बातों की समझ आई होगी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।